अब इस इंडेक्स के चार पहलू हैं। सबसे पहला पहलू है बेरोजगारी दर, दूसरा पहलू है महंगाई दर, तीसरा इसका पहलू है ब्याज दर, और चौथा इसका पहलू है कि हर वर्ष जो जीडीपी है उसमें कितना बदलाव आता है। और जब इन चार मापदंडों को जोड़कर एक स्कोर निकाला जाता है तो उसको मिजरी स्कोर कहते हैं। और अमूमन ये पाया गया है कि जो विकसित देश हैं उसमें जब ये मिजरी इंडेक्स 10 से ऊपर जाता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। जो विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं उनमें थोड़ी सहनशीलता ज्यादा होती है, तो अमूमन जब ये मिजरी इंडेक्स 20 पे पहुंचता है या उससे ऊपर जाता है तो ये सत्ता परिवर्तन। वर्ष 2020 में अगर आप इस मिजरी इंडेक्स के ऊपर भारत का मूल्यांकन करें तो जो हमारा बेरोजगारी दर है वो लगभग 8.5% है, जो हमारा महंगाई दर है वो लगभग 7.35% है, जो हमारा ब्याज दर है वो 9.4% है, और अगर आप जीडीपी को 3.75% 4% पे लगाएं तो इसका स्कोर बनता है 21.5।